सेवा जोहार सगाजन। तो चलिए सगाजन, आज बात करने वाले हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट नॉलेज ऑफ गोंडवाना। और इस गोंडवाना की जानकारी को आपने नहीं जाना तो आपने गोंडवाना के बारे में क्या जाना। तो इस पीडीएफ में हम बात करने वाले हैं आदि गुरुओं के नाम, चेलाओं के नाम, गोंडवाना के 12 नाग सक्रिय और कोयापुनेम के 7 स्तंभ, मुख्य शंभुओं के नाम और मुठ लिंगों के नाम। तो आदि गुरुओं से स्टार्ट करते हैं। पहले हैं बीजम गुरु, दूसरा लालम गुरु, तीसरा बालम गुरु, ओझा गुरु, बिरसा गुरु, आग गुरु, झाम गुरु, बीजन गुरु, शंभु गुरु, देवगन गुरु, लिंगो गुरु, करुआ गुरु, आलन गुरु और तालन गुरु। अब उनके चेलाओं के नाम, जिन गुरुओं के बाद उनके कार्यभार को जिसने संभाला उनके नाम, धानु पंडा, कमला पंडा, मनगोधन पंडा, हीरा पंडा, जगत पंडा, भगत पंडा, चीनी पंडा, बरनी पंडा, भूरा पंडा, पोपो पंडा, माडा पंडा, पुरार पंडा। अब गोंडवाना की 12 नाग सक्रिय, छिंदक नाग। आपने इतिहास में पढ़ा होगा पाठ्यक्रम में कि छिंदक नागवंशी ने यहाँ राज किया, वो हमारे समुदाय से ही थे, उनका गण चिन्ह जो है वो छिंदक है। इन्हीं के बारे में बस बात किया जाता है अभी के पाठ्यक्रम में। उसके बाद दूसरा भूर नाग, अमूर नाग, कोरल नाग, बेलिया नाग, करिया नाग, गादुर नाग, फिबूर नाग, सिर नाग, विष नाग, येर नाग और धूर नाग। अब कोयापुनेम के 7 स्तंभ, जिन्होंने हमें प्रकृति मार्ग में चलना सिखाया। पहले शंभु शेख, फिर गौरा माता, धमंतरी, देवगन गुरु, जंगो रायताड़, कुपार लिंगो और अंतिम है कलिकंकाली। अब बात करते हैं मुख्य शंभुओं के। प्रथम शंभु शंभु मूला, शंभु गोंदा, शंभु भूरा, शंभु रैया, शंभु रमला, शंभु वीरो, शंभु सैया, शंभु अनेदी, शंभु उम्मा, शंभु हीरो, शंभु गौरा। आप यहाँ पे देख रहे हैं कि 11 नंबर में शंभु गौरा लिखा है, लेकिन ये 11 नंबर का जोड़ी नहीं है, यहाँ मुख्य शंभुओं के नाम को बताया जा रहा है। ये 44वें नंबर का जोड़ी है, शंभु गौरा का जोड़ी। उसके बाद है शंभु बेला, शंभु तुरसा, शंभु आली, शंभु सती, शंभु उमा, शंभु गिरजा और शंभु पार्वती। और इस अंतिम के जोड़ी को क्यों याद किया जाता है, शंभु पार्वती को क्यों याद किया जाता है, ये आप जान लीजिए सगजन। शंभु को रिझाने के लिए पार्वती को भेजा जाता है, वो एक षड्यंत्र रहती है कि शंभु को मारना है करके, उसको मोहित करने के लिए भेजा रहते हैं। लेकिन पार्वती जो है वो शंभु के क्रियाकलापों और उनके रूप को देखकर मोहित हो गई थी, मंत्रमुग्ध हो गई थी और वो शंभु को नहीं मार सकी, उनसे प्रेम करने लग गई। वो षड्यंत्र के जरिए वहाँ पे पौहा तक पहुँची थी शंभु तक, लेकिन वो शंभु को देखकर उस पर मोहित हो गई। उसके बाद है मुठ लिंगों के नाम, कुपार लिंगो। कुपार लिंगो जी का जन्म शंभु गौरा के कार्यकाल में हुआ था, वहीं से हमें हमारा पहला लिंगो प्राप्त हुआ था। दूसरा है मुठ लिंगो, राय लिंगो, भूरा लिंगो, महारू लिंगो, भीमा लिंगो, देवगन लिंगो, धनित्री लिंगो, गणत्री लिंगो, दानुर लिंगो, ओसुर लिंगो, राहुल लिंगो, पोय लिंगो, कोया लिंगो, रावण लिंगो, भिन्न लिंगो, भुइन लिंगो, सुर लिंगो, माझी लिंगो, भुई लिंगो और मीन लिंगो। ये हुआ हमारे गोंडवाना की जानकारी। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिए, क्योंकि आपके लाइक से हमें प्रेरणा मिलता है। और इस वीडियो को अपने मित्र सग और परिवार के साथ शेयर जरूर करें। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही बेल आइकॉन बटन को दबा दीजिए, ताकि हमारे नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन अर्थात सूचना आपको जल्द से जल्द मिल पाए। और इसी वीडियो में मैं इस पीडीएफ का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिए रहूँगा, उसको जाके आप डाउनलोड कर सकते हैं और पढ़ सकते हैं और संजो के भी रख सकते हैं। सेवा जोहार, पूर्व जोहार, गुटुल जोहार सगजन।